हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, 2 दिनों से इंदौर में हो रही है बारिश और आज दिन है शनिवार का। यहाँ पर देखिए समय हो रहा है शाम का और इंदौर में पानी आ ही नहीं रहा था। आ रहा है तो अब आना शुरू हुआ है, तो 2 दिनों से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। काफ़ी जगहों पर पानी भी भर गया है इंदौर में और बाहर की तरफ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अंदर हमारा जिम ही बंद है। चलें घूमी घूमी चलें, आ जाओ। चलो ये लो ट्रीट, ये लो ट्रीट। ठीक, टीमो तो फ्रेंड्स मैं लेकर आई हूँ जिमी को बाहर। इसे ना सुसु आ रहा था बहुत देर से, बेचारा कंट्रोल करके बैठा हुआ था अंदर। तो अभी थोड़ा पानी यहाँ पर कम हुआ तो मैंने सोचा इसे सुसु करा देती हूँ बाहर। और ये ना इसे मस्ती आ रही थी, ये गीला हो गया था थोड़ा सा। तो जब ये थोड़ा गीला हो जाता है या नहाता है तो ये बहुत ही मस्ती करता है। ये देखिए इसकी हरकतें, पानी देख देख के ना इसे इतना मज़ा आ रहा है और बहुत ही अंदर से ना कपड़ा लेकर आया है मस्ती करने के लिए। इसे ना जब बाहर खेलता है ना तो मुंह के अंदर कुछ ना कुछ चाहिए होता है। टॉय वगैरह मैं मंगवाती हूँ तो ये सारे ही तोड़ देता है, उससे नहीं खेलना होता है। इसे चप्पल चाहिए या फिर कपड़ा चाहिए। बहुत ही मस्ती करी और पूरा गीला हो गया, बारिश में पूरा गीला हो गया है ये। और फिर अंदर जाकर मैंने इसे पूरा अच्छे से साफ़ करा, क्लीन करा। ये देखिए पानी दिख रहा है तो बहुत ही इसे मज़ा आ रहा है पानी देख देख कर। ये देखिए जिमी मस्ती करके अंदर गया। इसके बाद ये चूरू आ गया था। आप लोगों को पता ही होगा मैं सुबह और शाम इसे खाना खिलाती हूँ। ये वाला जो डॉग है ये खुद से ही अपने आप ही आ जाता है। इसे टाइम टेबल मेरा पता है कि मैं कब बाहर आती हूँ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, बारिश के जो मज़े हैं उसे मैंने खाना खिला दिया था। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई। डुगू के पापा की फरमाइश थी पकौड़े खाने की, तो अब मैं बना रही हूँ पकौड़े। बारिश के मज़े बहुत ले लिए, जिमी को भी यहाँ पर भूख लग रही थी। तो पकोड़े बनाने के बाद मैंने जिमी को भी बिस्किट खिलाए यहाँ पर। और अब मैं कर रही हूँ पकोड़ों की तैयारी, तो फटाफट से पकोड़े बना लेती हूँ क्योंकि बाद में मुझे काम भी करना है बहुत सारा, स्टिचिंग भी करनी है। तो शाम का समय रहता है तो थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, बैठ के सुकून से मैं चाय पी लेती हूँ और अपने थोड़े बहुत जो किचन के काम होते हैं वो निपटा लेती हूँ। तो पूरा दिन जो रहता है मेरा वो बिज़ी ही रहता है, टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, बारिश का जो मौसम है वो मुझे और हम सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। पर मैं जब उन लोगों के बारे में सोचती हूँ या न्यूज़ देखती हूँ या मोबाइल देखती हूँ, ऐसी खबर सुनने में आती है कि कहीं जगह पानी भर गया। जो लोग सड़कों पे रहते हैं और कच्चे मकानों में रहते हैं वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं ऐसे टाइम पर। जो बेजुबान जानवर होते हैं वो कहाँ जाएँ बेचारे सड़कों पर, वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो जो डॉग्स वगैरह हैं, अगर आपके घर के आसपास वो अंदर आना चाहें, थोड़ी सी जगह चाहें, तो आप लोग उन्हें बैठने दिया करें अपने घर के अंदर। वो बारिश बंद होती है तो चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं काम कर रही थी और ऐसे टाइम पे ना मुझे अपनी पुरानी बचपन की यादें भी आ जाती है कि जब थोड़ी बारिश हो हमारे भी घर के अंदर ना पानी भर जाया करता था। हम 3 भाई बहन हैं, मुझसे छोटी एक सिस्टर है, उसकी भी शादी हो गई है, और एक छोटा भाई है। तो जब भी बारिश थोड़ी होती थी तो ठीक लगता था, पर जब बहुत ज़्यादा कंटिन्यू पानी आता था 2-3 दिन तक, तो हमारे भी घर के अंदर नीचे का घर था पानी भर जाया करता था। तो हम तीनों जो भी बर्तन हाथ में आता था एक ही पलंग पे पूरी रात निकाल दिया करते थे। हम चारों पांचों बैठ जाया करते थे एक ही पलंग पे, और फिर जब पानी रुक जाया करते था तो तीनों पानी निकालने में लग जाते थे। तो ये सब यादें होती है जो हम कभी नहीं भूलते हैं। तो आज मैंने चाय अदरक वाली बनाई थी, कभी कभी ही पीती हूँ मैं अदरक वाली चाय, रोज़ नहीं पीती हूँ। तो आज थोड़ा मौसम बारिश जैसा था तो मैंने अदरक वाली चाय बना ली और अब मैं लग गई हूँ पकौड़ों की तैयारी में।
तो यहाँ पर गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। सॉस भी फ्रिज में रखा था तो निकाल दिया है बाहर। और यहाँ पर मैं तेल डाल देती हूँ जब तक कि बेसन का बैटर बनाऊँगी। वैसे तो मैं पकोड़े बनाती हूँ तो 10-15 मिनट पहले ही बैटर बना कर रख देती हूँ बेसन का, तो आज थोड़ा अर्जेंट में ही बना रही हूँ मैं, जल्दी में। तो हैंड टू हैंड ही बेसन में घोल रही हूँ यहाँ पर। तो बेसन ले लिया है मैंने और थोड़ा सा मैंने इसमें अजवाइन क्रश करके डाल दी है। तो सभी का तरीका अलग अलग होता है चीज़ें बनाने का, तो अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे का तरीका देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पिसा धनिया और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाला है और यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, हल्दी नहीं डाली है मैंने इसमें, नमक डाल दिया है। तो आप लोग कुछ भी और भी इसमें ऐड करते हो तो मुझे बताइएगा। इसके बाद देखिए सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला दिया, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके ही डाल रही हूँ, नहीं तो कई बार ना मुझसे थोड़ा पतला हो जाता है बैटर, पर इस बार थोड़ा अच्छा बना था। तो जो पकोड़े थे वो बहुत ही अच्छे बने थे और कम भी पड़ गए थे, तो फिर मैंने वापस से बनाए। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैं इसे मिक्स मिक्स कर रही हूँ इस तरीके से। तो इसमें मैंने सोडा वगैरह कुछ नहीं डाला है और सिंपल तरीके से ही बनाए हैं। थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने इसमें काट कर डाल दिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। जब तक कढ़ाई में ना तेल भी गर्म हो गया था, मैंने आलू भी यहाँ पर कट कर लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स तेल गर्म हो गया है और आलू भी मैंने गोल गोल कट कर लिए हैं। और यहाँ पर पकोड़े बनाने से पहले मैंने बेसन को एक बार फिर से अच्छे से फेंट दिया है अच्छे से, ये देखिए। अब मैं एक एक करके इसमें डीप करके पकौड़ों को फ्राई कर लेती हूँ। तो ज़्यादा मसाले मैंने ऐड नहीं किए क्योंकि अगर थोड़ा भी तीखा हो जाता है तो फिर डुकू खाना पसंद नहीं करती है, तो मैं थोड़ा तीखा कम ही बनाती हूँ। अलग से मुझे मिर्च खानी होती है तो मैं हरी मिर्च फ्राई करके खा लेती हूँ, क्योंकि डुकू और डुकू के पापा मिर्ची बहुत ही कम खाते हैं, वो ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पकौड़ों को अल्टी पल्टी कर दिया है और अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए थे, तो मैंने इन्हें बाहर निकाल दिया है, पेपर नेपकिन के ऊपर रख दिया है, तो जो एक्स्ट्रा तेल है इसका वो निकल जाएगा। और पकौड़े मैंने यहाँ पर इसमें डाल दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स सभी पकोड़े मैंने यहाँ पर बना लिए हैं और मेरी चाय भी तैयार हो गई है। तो चाय थोड़ी कम बनी थी, मैंने वापस से फिर एक बार और बनाई चाय, और फिर भी क्योंकि यहाँ पर है ना पकोड़ों के साथ मुझे चाय थोड़ी कम पड़ गई थी, आधा कप ही बनी चाय मेरी। तो चाय और पकोड़े बन करके तैयार है। इस पे पकोड़ों पे मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा चाट मसाला जिससे कि टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आ जाइए, ये देखिए यहाँ पर पकोड़े बन के तैयार हो गए हैं। तो आप लोग बारिश में क्या बनाना पसंद करते हैं? हमारे घर पे तो ज़्यादातर पकोड़े और पराठे ही चलते हैं। और पकोड़े बना कर ले आई हूँ, चाय मैंने पी ली है और डुगो डुगो के पापा देख रहे हैं तारक मेहता। तारक मेहता चल रहा है और यहाँ पर डुगो का डिस्कशन चल रहा है, उसकी फ्रेंड का ना बर्थडे है कल
और बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है ना, उसको लाना था न्यू ड्रेस, तो मैंने सोचा कि मैं आज मार्केट लेकर जाऊंगी उसे, पर पानी बहुत ही तेज़ आ रहा था और यहाँ पर डुकू को दांतों में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, एक दांत है ना उसका हिल रहा है, तो इसलिए बार बार जो हाथ है वो दांतों के अंदर लगा रही है। और एक पकौड़ा इसने खा लिया था बहुत ही ज़्यादा गर्म, क्योंकि मैं अभी फ्राई करके लेकर आई हूँ, फिर मैंने इसे थोड़ा साइड में तोड़ कर रखे, और एक पकौड़ा उसने बहुत ही ज़्यादा गर्म खा लिया तो मुँह जल गया था अंदर से। तो यहाँ पर अभी उसका मन छोटा हो रहा है कि कल उसकी फ्रेंड का ना, उसकी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है और उसे शॉपिंग पे भी जाना है, उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आना है, बर्थडे पार्टी में भी जाना है, तो बारिश आ रही है, वो सोच रही मैं जा पाऊँगी या नहीं, तो बस आज सुबह से ना उसी का डिस्कशन घर में चल रहा है। नाश्ता हमारा शाम का पूरा हो गया है, इसके बाद देखिए जिमी और डुगू खेल रहे थे साथ में, तो यहाँ पर मैं जिमी गया था बारिश देखने बाहर कि रुकी है नहीं, और मैं भी फिर गई, मैंने सोचा देखूँ पानी आ रहा है या नहीं, तो बारिश तो अभी आ ही रही है, और आज डुगू की स्कूल की छुट्टी कर दी थी बारिश की वजह से, तो आज वो स्कूल नहीं गई, अब थोड़ी देर पढ़ाई करेगी वो। वापस आ गई हूँ मैं किचन में, और किचन में आकर समेटूंगी ऊपर अपना, स्टिचिंग वाले रूम में जा रही हूँ, तो अभी मैं ऐसे ही छोड़ के जा रही हूँ, बाकी काम आकर करूँगी, और अभी मुझे वीडियो भी बनाना है, एडिटिंग करनी है, और इसके बाद मैं वीडियो अपलोड पे लगाऊंगी, तो आपको जो स्टिचिंग वाला वीडियो है वो मिलेगा मेरा मंदीप डिज़ाइंस चैनल पर। किचन की लाइट कर दी है बंद, ऊपर की तरफ जा रही हूँ अब मैं ऊपर वाले रूम में स्टिचिंग के। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये ब्लॉग वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, तो जल्दी ही मिलूँगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।